दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी हमेशा मदद करें, अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ, बहुत ही नायाब और बहुत ही बुलंद वाला वजीफा है। आज जो मैं आपको वजीफा बताऊंगी, इस वजीफे का बहुत ही मुझे जो है कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आई और मुझे कहा गया कि आप ये वाला वजीफा हमें बताएं सूरह कुरैश का। तो आज मैं आपको वजीफा बताऊंगी आपने क्या करना है, सूरह कुरैश जो है यानी कि ली इलाफी कुरैश, ठीक है, आपने यहाँ से लेकर तो 41 मरतबा तीसरे पारे में ये सूरत है, आपने पढ़कर किसी खुशबू यानी अत्तर के ऊपर या किसी खुशबू के ऊपर आपने दम कर लेना है 41 मरतबा। बस ये आपके लिए एक जादुई जो वजीफा है ये आपके लिए तैयार हो जाएगा, बहुत नायाब है। आपने इसके ऊपर दम कर लेना है, दम करके आपने जो तालिब है यानी जिसके जिसको आप बुलाना चाहते हो ये उसके पास आपने कपड़ों पर लगाकर बस उसके पास चले जाना है, ठीक है। और जैसे ही वो खुशबू उसको महसूस होगी और खुशबू वो सूंघेगा तो वो मुसख्खर हो जाएगा। मुसख्खर मेरे होता है दीवाना हो जाना, ठीक है, वो मुसख्खर हो जाएगा। और जब तक आपके पास वो आ ना जाए और आपसे अपने दिल की बात कह ना दे उसको सुकून नहीं आएगा। पढ़ते वक्त आपने जो तालिब है मतलूब का अपने जेन में तसव्वुर रखो, यानी कि पढ़ते वक्त अपने जेन में इस बात का जरूर रखो कि ये जो मैंने अमल किया है मैंने किस मकसद के लिए किया है, अल्लाह पाक इसको कबूल मंजूर अता फरमाए। शरीयत के खिलाफ अमल ना कीजिएगा, ये पहली ये जो है सबसे बड़ी कसम होती है कि शरीयत के खिलाफ आप अमल नहीं करेंगे, सबसे पहली और शरायत में सबसे बड़ी शर्त है। तो इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नाजायज काम के लिए किसी भी अमल को इस्तेमाल ना करें ताकि आपको गुनाह या अल्लाह पाक की नाराजगी का सामना आपको ना करना पड़े। इजाजत दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले तमाम जो आसानी आपको ताकि मिल सके। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। का नक्श दिया जाए यानी मोहब्बत का, चाहत का नक्श दिया जाए जिससे बहुत जल्दी फर्क पड़ जाए और इंशाल्लाह 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। उसका इस्तेमाल, उसका तरीका इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश की जाती है अगर आप सिंसियर हैं और वो नक्श हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर जो है हमसे बात करें। उसका थोड़ा सा हदिया है वो पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि उसका हदिया आपको जरूर देना पड़ेगा वरना वो नक्श कभी काम नहीं करता, ठीक है। उसका जो मुकलीन का जाहिर आपको पता है अमलियात का लिया हुआ नक्श है और बहुत मुश्किल से हमें भी वो मिला था, तो काफी पढ़ाइयों के बाद और मतलब के जैसे चिल्ला काटने के बाद वो नक्श तैयार किया गया था और वो बहुत जलाली नक्श है। तो इंशाल्लाह आपको वो दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि आपको उसका हदिया अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हदिया इतना ज्यादा नहीं है, आप उसका हदिया जो है दे सकते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बहुत जो है ताकतवर नक्श है, उसका ख्याल रखिएगा और उसका गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप हमारा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर कमेंट्स करें और वो लोग बस रब्ता करें नंबर के लिए जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमलियात सीखना चाहते हैं या अपनी कोई मुश्किल हल करवाना चाहते हैं। हमारे चैनल पर बहुत से जो हमने वज़ाइफ आपको पेश किए हैं, अमलियात पेश की है, रूहानी इलाज की मुकम्मल सर्विस दी जा रही है। दुनिया भर के परेशान हाल लोग अपने मसले और परेशानियों के लिए, बेरोजगार जो लोग हैं और जिन्नात जादू के मामलात का हल करवाने के लिए इस सब जो सर्विस दी जा रही है उससे काफ़ी लोग जो हैं फैसियाब हो रहे हैं और पूरी कोशिश की है कि अपनी बहनों की मदद की जा सके, भाइयों की मदद की जा सके। और अगर हमें कोई नक्श वगैरह भी उनको सेंड करना पड़े हम वो भी उनको भेजेंगे बजरिया डाक के जरिए या फिर कोई चीज़ भेजनी होगी वो भी इंशाल्लाह भेजेंगे ताकि उनकी परेशानी हल हो सके। किसी को जिन्नात जादू या घर में कोई ऐसी मसला है या बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, काला जादू जैसे सफली जादू, जिन्नात नजरे बद और जैसे शादी के मसाइल होते हैं, पसंद की शादी के मसाइल होते हैं, तलाक का मसला होता है, कारोबार की बंदिश कर दी जाती है, कोई कारोबार कोई ठीक हो नहीं रहा था, वो अच्छा कारोबार भी खराब हो रहा होता है, तालीम का मसला होता है और बाहर मुल्क जाने का मसला होता है, रिश्ते की बंदिश, मोहब्बत वगैरह के जो होते हैं वो मैंने काफ़ी अमल आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं जो शरीयत के लिहाज से हैं, और सास वगैरह का ये जो मसले होते हैं इनके लिए जो कुरान पाक की जो है तालीम दी जाती है उसमें से आपको जो भी बेहतर होगा वो हम बताएंगे।
और जैसे शोहर नाराज़ हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं, इन तमाम मसलों के हल के लिए इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता करें, हम आपको नंबर भी देंगे। लेकिन सिंसियर लोग जो हैं, वाकई ही जो हमारी बात को समझते हैं, वो लोग रब्ता करें। और एक बात, आप इनको जो नंबर दिया जाएगा वो मेरे उस्ताद, मेरे जो पीर हैं उनका नंबर है, मेरे चचा भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनका नंबर दिया जाएगा। भाई लोग जो हैं वो उनसे बात करें, और ख्वातीन जो हैं उनसे बात करके हम तक पहुंच सकती हैं। ठीक है, ख्वातीन हमसे बात कर सकती हैं या फिर वो जो है उनसे भी बात कर सकती हैं, उनको नंबर दिया जाएगा। नंबर दो बात ये है कि अगर बहुत से लोगों की फरमाइश है, यहाँ तक कि 1000 से ज्यादा लोग जो हैं हमसे कहते हैं कि प्राइज बॉन्ड, वट्टा, लॉटरी, इन सब के बारे में जो है मैं और इस बारे में बात नहीं करना चाहती, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इस तरह की है तो वो उनसे बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जितनी भी हो सके आपकी मदद की जाएगी इस्लामी तरीकों के हिसाब से। इजाजत दें, मेरी अगर बात समझ आती है तो कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमल करना चाहते हैं और अमलियात में आना चाहते हैं। बेफजूल लोग जो है रब्ता ना करें, टाइम वेस्ट मदरसों वालों का टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से चैनल बनाया गया है, तो आपकी मेहरबानी है इसको जो है इसका गलत तरीका इस्तेमाल ना करें। सिंसियर लोग बस रब्ता करें। और दो या तीन मैसेज में अपना तमाम मसला बयान करें, ज्यादा मैसेज ना करें, ये तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर होगा, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आपको कोई भी मसला है, जादू, जिन्नात, असेब, किसी भी किस्म का मसला है, घर में किसी भी किस्म की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी, रिस्क की बंदिश, कारोबारी परेशानी, कारोबारी बंदिश, बाहर जाने का मसला, बाहर जाने की बंदिश, या किसी भी किस्म का घरेलू झगड़ा, परेशानी, इवन तलाक तक का मसला हो, तो अपनी इस बहन को याद करें और चैनल पे आके हमारे या फेसबुक पे आके हमसे बात करें। मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करूंगी। किसी भी किस्म का झगड़ा है, किसी भी किस्म की शादी का मसला है, बच्चों की शादी का, प्यार का, मोहब्बत का, किसी भी किस्म का, अपने प्यारों को पाने का, किसी भी किस्म का मसला है, अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और अहदीस को फैलाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फर्ज निभाएं।